भाई पार्टी और खर्चे की बातें ना आदमियों से करते हैं, औरतों से नहीं करते। ये नियम है, नियम है। आज क्या हुआ? अच्छा सर ने कहा मुझसे पूछ लो, इस बारे में ना सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे तुम्हें। मेरे बताने में आज तक जितनी चीजें अरेंज की हैं परिमल सर ने ही की हैं। मैंने क्या अरेंज किया है, मेरा काम बस एक पढ़ाने पढ़ाने मात्र का है। चलो मैं सर से बात कर लूँ, तुम्हारा पेपर भी तो है 26 का। अच्छा ठीक है, पहले अभी एक घंटा पौना घंटा पढ़ लेते हैं, फिर सर से बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। मेरी तरफ से भाई हाँ ही है, मैं कब मना करती हूँ कि पार्टी ना हो, मैंने कब कहा कि पार्टी ना हो। चलो हाँ, पर अपने पेपर बहुत अच्छे करके आना। ठीक है, अब तुमने अपने इसका बयान पढ़ लिया HSSC वाले का, लगातार पेपर है अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अपनी तैयारी बिल्कुल अब ऐसी रखो। एक दो बच्चे का मैसेज आया कि SI के लिए करंट अफेयर्स करवा दो। अरे करंट अफेयर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, SI हो या कांस्टेबल। अब नए करंट अफेयर्स में एक दो हफ्ते बाद कराऊंगी, जो पुराने थे उनको रिवाइज कर लेना। ये वाले ना ऐप पे डलवा दिए थे, जो लड़कियों के लिए पढ़ाए थे ना, ये ऐप पर है, पढ़ जाना। जिनका SI का पेपर है ये वाले, और पिछले वाले पढ़ जाना। अब थोड़े से और बन रहे हैं, वो अगले महीने तक मैं पढ़ा दूंगी, मतलब अक्टूबर में जिनका एग्जाम होगा। चलो, कल हमने कहानी लगभग पूरी पढ़ ली थी, बस एक रह गया था आदमी, महाराजा रणजीत सिंह। ये हुई थी बातचीत, कौन है महाराजा रणजीत सिंह? हाँ, इन्हें कहते हैं पहले सिख महाराज। इनसे पहले सिखों में कोई महाराज नहीं हुए या महाराजा, ये फर्स्ट सिख किंग कहलाते हैं, बड़े लेवल पे काम करने वाले। हम सब जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु का नाम था गोविंद सिंह जी, जो 1708 में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर बंदा बहादुर, जिसका कि मर्डर फर्रुक सियर ने करवा दिया। उनके बाद महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से, जब सिख धर्म में अलग अलग मिसल बन गई थी ना 12, इन सबको एक साथ करके, और ये एक मिसल के हेड थे पर सारी मिसलों को इकट्ठा कर लिया, और इन्होंने पूरे आज जिसको आप पंजाब कहते हो और एक पाकिस्तान का पंजाब, अगर मैं इसको मान लूँ ये सतलुज नदी है तो ये तुम्हारा पंजाब और इधर पाकिस्तान का, इन्होंने पूरे पर कब्जा किया। ये काल है अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस टाइम पे अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि इनके एरिया पे नजर डाल सकें। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पूरी टेरिटरी को संभाला, लेकिन हर चीज का एक निश्चित समय है, उसका अंत होगा 1809 आते आते। पहले इनके बारे में पॉजिटिव चीजें सुन लो। 10 साल के थे जब पहली बार युद्ध में उतरे। 10 साल का बच्चा क्या होता है, युद्ध लड़ा था पिताजी के साथ, फिर पिताजी चल बसे, खुद सारा काम संभाला, और एक छोटी सी यंग एज, तुम लोगों से भी छोटे या तुम्हारे हेर फेर के, 21 साल में ये महाराजा रणजीत सिंह बन गए। यानी पूरा पंजाब आज का लाहौर तक इनकी बेल्ट थी, ये पूरा हरियाणा पंजाब और पाकिस्तान का लाहौर प्रांत और पूरा पंजाब, इस पूरे के राजा किस एज में बन गए ये, 21 साल। सबको लेके साथ चले, सब धर्मों की बहुत वैल्यू समझी, बहुत अच्छे आदमी थे बाय हार्ट, लोग इनको प्यार करते थे, पसंद करते थे। लेकिन 1809 में एक संधि इनको करनी पड़ी, जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं अमृतसर की संधि, और इस संधि के बाद अंग्रेजों ने इनको कहा सतलुज से ऊपर आप राज करेंगे, सतलुज के पूर्व में यानी इंडिया की तरफ किसका राज चलेगा, BIC का। और इसके कुछ सालों बाद इनकी डेथ भी हो गई। तो इन्होंने एक अच्छा टाइम पीरियड भारत के सामने प्रेजेंट किया। जब यंग एज में थे, एक बार चेचक हो गया तो जो लेफ्ट साइड की आंख थी ना खराब हो गई थी, तो एक आंख से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी तीरंदाजी में और तलवार चलाने में और सारे हथियार, इनको सारी आर्मी की ट्रेनिंग उस टाइम बहुत बेस्ट की थी अपने टाइम में। तो पंजाब से एक शेर अगर कहें जिसने कि पूरे अंग्रेजों को भी दबा के डरा के रखा, वो थे हमारे महाराजा रणजीत सिंह। कौन सी संधि याद रखनी है इनकी, अमृतसर की संधि। बाकी 2-4 बातें इनके मिसल और ये सब इसमें से पढ़ लेते हैं। कल हमने 10 सिखों के गुरुओं के बारे में पढ़ा था ना, आज ये पढ़ेंगे। पहले इसी टॉपिक को पूरा करते हैं। कल पेज 24 पे हम देखो पहुंचे थे, और हमने लास्ट पढ़ा था जितना मुझे याद है, बंदा बहादुर को पकड़ के कत्ल कर लिया फर्रुख सियर, यही वाला पॉइंट था ना। इसके आगे से पढ़ते हैं पेज नंबर 24 का, ऊपर से 6ठा पॉइंट है शायद ये। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, कौन है ये दोनों? ये विदेशी हैं, विदेशी आक्रमणकारी। किसकी मौत के बाद इनकी हिम्मत बढ़ी? औरंगजेब, अंडरलाइन कर लो। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई अव्यवस्था ने सिखों को फिर से खड़ा होने का मौका दिया। एक पॉइंट छोड़ के अगला, सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे। एक खास बात ये थी, लड़ते नहीं थे, इन सबको इकट्ठा कर लिया था रणजीत सिंह ने, अंडरलाइन कर लो। 12 मिसल या संघों में संगठित थे, जो एक दूसरे के साथ पूर्णतया सहयोग करते थे। नेक्स्ट सिख करना। 18वीं सदी के अंत में सुकर चकिया, ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ेगा, लिख लो यहाँ, ये मिसल का एरिया है, मिसल का नाम है 12 में से एक, सुकर चकिया मिसल पंजाब पाकिस्तान के प्रधान थे रणजीत सिंह, इन्होंने प्रमुखता प्राप्त कर ली। तो किसने सारी मिसलों को वापस से एक करके, और हाँ कौन सी मिसल के थे ये, सुकर चकिया पंजाब पाकिस्तान, यहाँ लिख लो। 1780 में जन्म रणजीत सिंह के पास,
1780 में जन्म और 1839 में मृत्यु, तो संधि के 20 साल बाद ये एक्सपायर हो गए। कौन सी संधि के? अमृतसर, जिसमें इनके हाथ से भारत वाला पंजाब निकला। नेक्स्ट एक करना, वो एक ताकतवर साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और जन्मजात नेता। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन करते हुए पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। कालांतर में उसने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान को भी जीत लिया। तो आज का पंजाब नहीं, सोचो पाकिस्तान और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा किसने अपने अंडर ले लिया? महाराजा रणजीत, पहले सिख महाराजा, यानी तो महाराजा नहीं हुए थे। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो शेर ए पंजाब, इनका उपनाम है लॉयन ऑफ पंजाब, शेर ए पंजाब। पहले महाराजा है सिख कम्युनिटी के, फर्स्ट महाराजा, शेर ए पंजाब कॉमा सिख, पहले महाराजा। कौन सी मिसल के प्रधान है ये? सुकर चकिया। कहाँ पर है ये? पंजाब में। पंजाब कितनी मिसल में बंटवारा था? 12। बंदा बहादुर की मौत के बाद की घटना है, फिर इन्होंने एक बनाया। नेक्स्ट एक करना, तो कश्मीर, पेशावर, मुल्तान भी इनके। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढांचे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की, जिसमें इसने गोरखा, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को भी भर्ती किया। ज्यादा लंबा टिकने के लिए भारत में एक कम्युनिटी को रखना था या सबको अच्छा हेता बना? ये इस मामले में ये ठीक निकले। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक कर लो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। या तो नंबर 1 पे बीआईसी वाले थे या फिर सेकंड रणजीत सिंह की फौज। नेक्स्ट पढ़ लो। कहा जाता है कि वो अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। इसका मतलब किसको रिस्पेक्ट दे रहा है? मुसलमानों को भी, ये डोगरों को भी, जो डोगरी भाषा बोलते हैं, ये उड़ीसा के लोगों को, पंजाब, हर तरफ के आदमी को ये इज्जत दे रहा है। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से रोकते हुए नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। यहाँ लिख लो अमृतसर की संधि, यही है वो घटना, अमृतसर की संधि 1809 के पास लिख लो। उसके बाद फिर उसने कहा लिमिट हो गई, अब उनका एरिया दो हिस्सों में बट गया, एक बीआईसी के पास, एक उनके पास। कौन सी नदी के पार वाला? बीआईसी का, हमारी तरफ वाला। नेक्स्ट करना, उसकी मृत्यु के बाद कब डेथ हुई इनकी? 1839 में, संधि 1809, उसके 20 साल बाद 1839 इनकी मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष के कारण पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया, ठीक है। और फिर पंजाब को अंग्रेजों ने कौन से सन में पूरी तरह अपने कब्जे में लिया? 1849 में, लिख लो यहाँ, इनकी मौत के 10 साल बाद 1849 सिख राज्य पर बीईआईसी का कब्जा। 1849 सिख राज्य पर बीईआईसी का कब्जा। जब तक ये जिंदा रहे इनकी तरफ अंग्रेज देख नहीं पाए। और कौन सी संधि के बाद बोले कि आपका वो पार्टी हमारा? उसके कितने साल बाद ये मर गए? 20 साल बाद, वो 1809 की, 1839 में इनकी डेथ। और फिर कब पूरे पंजाब पर कब्जा? 1849 में, ये ध्यान रखना। मराठा राज, मराठा तो नहीं पढ़ा ना अभी? अच्छा, कल हमने सिख पढ़े थे। मराठा की छोटी सी कहानी सुन लो, फिर ये पैराग्राफ बहुत आसान है। मराठे किस इलाके में थे और कौन से धर्म के थे? ये इस इलाके में थे और कौन से धर्म के थे? हिंदू। शिवाजी, शिव के नाम पर है ना शिवाजी, तो शिवनेरी के किले में जन्म जिनका हुआ शिवाजी, हिंदू धर्म के हैं। और उस टाइम पर इस तरफ जो ये थे ना निजाम टाइप के लोग, ये बड़े एक्टिव हो गए थे। तो एक बहुत पहले इनके पिताजी इनकी चाकरी करने कि मुझे अपने यहीं रख लो, मैं यहीं नौकरी करूंगा, चले गए। इनकी माताजी जिसकी बात कर रही हूं, आप जानते हैं शिवाजी हैं ये। शिवाजी की माताजी जीजाबाई, एक बहुत बहुत जीजाबाई, बहुत समझदार महिला, हिंदू धर्म की सारी अच्छी कहानियां अपने बेटे को बचपन से समझाई, सिखाई और कहा कि अपने पिता की तरह किसी की चाकरी मत करना, अपना हिस्से पर अधिकार करना और अपने धर्म को आगे बढ़ाना। हिंदू धर्म के सारी चीजें जीजाबाई ने बचपन में किसके दिमाग में डाल दी थी? ये जब 12 साल के थे तो इनको डर हुआ कि कोई शिवाजी को मार ना दे, क्योंकि पिता का साया तो है नहीं, वो तो वहां रहते हैं यहां इस तरफ निजामों के पास। तो इन्होंने शिवाजी के एक दोस्त थे शिवाजी के पिताजी के, जिनका नाम था दादा कोंडदेव, ऐसे भी लिख देते हैं कोंडदेव, दादा कोंडदेव, ये संरक्षक बन गए। और इन्होंने कहा सबसे बढ़िया इसकी शादी कर दो ताकि एक बड़ा परिवार हमारे साथ खड़ा हो जाए। और 13 साल की छोटी सी एज में किसकी शादी कर दी गई? शिवाजी। शिवाजी बहुत समझदार हैं और 12-13 साल में ये अपना काम संभालेंगे और जाके पहले इस एरिया को पूरे को साफ करेंगे, यहाँ धीरे धीरे गाँव के लोगों को बसाएंगे, फिर ये टैक्स देंगे और उससे ये राजा बनेंगे। स्टार्टिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें नहीं थी यहाँ, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ अच्छी खेती नहीं थी, लेकिन मेहनत कर करके शिवाजी ने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया। और शिवाजी टक्कर देने लग गया आसपास के राजाओं को, जिनमें सबसे ज्यादा परेशान होगा अफजल, अफजल नाम का एक बहुत ताकतवर आदमी जो निजामों को, आगे जाके पढ़ेंगे, निजाम का परिवार था। इसी तरह ऊपर एक बहुत ताकतवर राजा है औरंगजेब, ये भी दुखी हो जाएंगे किसके कामों से? शिवाजी। और इसीलिए शिवाजी को बाद में आप देखेंगे कि एक बार दरबार में जाएंगे औरंगजेब के, तो वो इनको पकड़ लेंगे, फिर वहां से ये आगरा के किले से भाग जाएंगे। शिवाजी का चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो जुड़ी है ना, वो पेशवाओं की है। शिवाजी ने अपने एरिया में 8 बड़े बड़े मंत्रियों को अष्ट प्रधान नाम दिया।
अष्ट प्रधान, और इसका प्रधान बनाया एक आदमी को जिसकी पोस्ट को नाम दिया पेशवा। मोरोपंत, मोरोपंत त्रिंबक क्या नाम था इसका, पिंगले, ये आदमी था, ये पहला पेशवा था। उस टाइम पे ब्राह्मण बनते थे पेशवा, तीन चार पेशवा बने। शिवाजी बहुत लंबे नहीं जिए, शिवाजी 1627 में पैदा हुए और जब 80 साल, ये 60 साल के आसपास से ये एक्सपायर हो गए 60 साल में। ये देखो पैदा हुए हैं औरंगजेब के बाद और औरंगजेब से बहुत पहले मर गए थे, औरंगजेब से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, 1680 में एक्सपायर हो गए थे। 80 में, 80 साल की एज नहीं थी, एज तो कम थी, 80 में एक्सपायर हो गए थे। और एक्सपायर होने से कुछ पहले इन्होंने अपने नाम में क्या जोड़ा था, छत्रपति। छत्रपति की उपाधि 1674, 80 में इनकी डेथ हो गई, यंग एज में ही मर गए थे। इन्होंने अपने रहते रहते अपना काम धाम खुद संभाला, अपना प्रधान बनाया था मोरोपंत को, लेकिन इनकी डेथ के बाद इनका एक ताकतवर बेटा जिसका नाम था संभाजी, संभाजी इसको पकड़ लिया। 1780 में गए थे ना वो, 1680 से 89 इन्होंने राज किया, फिर इनको और इनके एक दोस्त को औरंगजेब ने पकड़ के और मरवा दिया, बहुत भयानक तरीके से मरवाया। इसके बाद इनका एक भाई था जिसका नाम था राजा राम, लायक नहीं था लेकिन ये अपने भाई के नाम पे गद्दी पे बैठ गया। इससे ज्यादा लायक इसकी पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई, ये भी लंबा नहीं टिका, ये आप लगा लो 1689 में गद्दी पे बैठा और 1700 में ये मर गया 11 साल बाद। इसके बाद कामधाम संभाला ताराबाई ने, ताराबाई ने कहा मेरा बेटा, इसका बेटा था जिसका नाम इसने अपने दादा के नाम पे शिवाजी सेकंड रखा, मेरा बेटा अभी अल्पायु है, जब बड़ा होगा राज करेगा तब तक मैं राज संभालूंगी। किसने कही ये बात, पहला हक हमेशा बड़े बेटे का होता है, बड़ा बेटा कौन था, संभाजी, संभाजी नहीं है तो उसका बेटा राजा बनता, पर क्योंकि उसके अल्पायु बेटे को पकड़ के उस टाइम पे कौन ले गया था, औरंगजेब, और उसने उसको वहीं पाल पोस के बड़ा किया, जिसका नाम क्या है, साहू, साहू जी महाराज। तो साहू महाराज, साहू तो एक बच्चा है जिसको ले गया औरंगजेब, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाता है, गलत सिखाता है, क्या करता है, उसने क्या टारगेट बनाया वही जानता है, वो मर गया 1707 में, तब साहू यंग था, 17-18 साल का लड़का। इसके बाद जो मुअज्जम शाहे बेखबर बना था ना, क्या नाम था, बहादुर शाह, उसने इसको फ्री कर दिया कि जा अपने टेरिटरी में लड़ मर, हमसे तेरा ये काम नहीं देखा जाता। शाहू वहां से चल पड़ा, यहाँ इसकी चाची, कौन चाची, ताराबाई, ये चाह रही है कि मेरा बेटा राजा बने, अभी ये राजा बन के बैठी हुई है। ये यहाँ आया तो इसने ताराबाई को कहा प्रॉपर्टी तो मेरे पिताजी की है, क्योंकि बड़े तो वो थे। ताराबाई ने कहा हमें क्या पता तुम क्या हो क्या नहीं, और हम तुम्हारे हाथ कैसे प्रॉपर्टी दे दें। इसको कुछ अता पता था नहीं क्योंकि ये तो महलों में रहा था। इसने एक आदमी जो बहुत स्ट्रांग इसको लगा जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट, क्या नाम था उसका, भट्ट परिवार का था ये विश्वनाथ भट्ट, इसको इसने कहा कि आप मेरे मुखिया बनो और आप सारी चीजों को जानते हो, उस एरिया को, प्रॉपर्टी को, लड़ाई झगड़े सब चीजों को, इसको सारी कमान दे दी। अब सोचो ये लड़ रहा है किसके बिहाफ पे, शाहू, और ये किससे लड़ रहे हैं, ताराबाई। ताराबाई हारनी थी, ताराबाई एक महिला, इतना कितना बड़ी सेना भी नहीं थी। खड्ड का युद्ध हुआ या इसको खेड़ा का युद्ध भी कह देते हैं, और इस युद्ध के बाद शाहू की प्रॉपर्टी जो कहां हुआ करती थी, पूना के आसपास, यह महाराष्ट्र का मेन हिस्सा, इसको छोड़ के ताराबाई महाराष्ट्र के निचले हिस्से में जहां आज कोल्हापुर है यहां चली गई। तो कोल्हापुर की तरफ मूव कर गई ताराबाई और शाहू के हाथ में आ गया शिवाजी का पूरा इलाका। इस शिवाजी के इलाके पे शाहू को तो नॉलेज ही नहीं है, तो काम कौन करेगा, विश्वनाथ भट्ट। ये विश्वनाथ भट्ट कहेगा अब के बाद ये जो पद जिसपे मैं बैठा हूं, क्या था ये, पेशवा, ये पद हो गया पैतृक, और अब मेरे खानदान के लोग ही इस पर, जैसे हमने देखा सिख धर्म में था, रामदास जी खुद बाहर के थे पहले लेकिन बोले कि हमारे ही वंश के बैठेंगे, सेम ऐसे बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने कहा मेरे वंशज ही क्या बनेंगे, पेशवा। और इन्होंने 20 साल बढ़िया राज किया और अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया कि अब आगे आने वाले शाहू या इसके आगे के वंशज कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया शनिवारवाड़ा, तुमने ये सुना हुआ है, कहाँ सुना है तुमने ये, शनिवारवाड़ा मूवी में था, हाँ बाजीराव मस्तानी में जो दिखाया है ना सारी शूटिंग, वो इसी महल में हुई। आज भी ये महल ऐसे का ऐसा खड़ा है, शनिवारवाड़ा, यहीं पे रहते थे ये लोग, जैसे प्रेसिडेंट हाउस है ना आज, उस टाइम ये पेशवाओं का घर था। पुणे में आज भी ऐसे का ऐसा खड़ा हुआ है शनिवारवाड़ा, ये किसका ऐतिहासिक घर बन गया, पेशवा ने 20 साल बढ़िया काम किया और इसने एक बेस तैयार किया। क्या नाम था पहले पेशवा का, बालाजी विश्वनाथ भट्ट। अब इसका बेटा 20 साल में पेशवा बन गया जिसका नाम है बाजीराव, बाजीराव ये 1720 से 1740 तक काम संभालेगा। अभी 1700 देखो ये संभाजी शाहू जी चल रहे थे, कुछ ही सालों की कहानी है बस ये। इसने 1700 से 1720 तक काम किया, फिर ये 1720 से 40 तक काम करेगा। बाजीराव बहुत यंग एज में 20 साल में पेशवा बना था प्राइम मिनिस्टर और 40 साल में इसकी डेथ भी हो गई। बहुत स्ट्रांग आदमी था बाजीराव, बहुत प्लानिंग करके इसने काम किया और कहते हैं कि पेशवाओं की ताकत को इसने दिल्ली तक पहुंचा दिया, यानी दिल्ली अब कमजोर हो गया, मुगल कमजोर हैं जो ऊपर बैठे हैं। और याद करो फर्रुख शेर 19 में मर्डर हो गया था, उसके बाद तो बहुत कमजोर कमजोर लोग नहीं आए थे, मोहम्मद शाह रंगीला टाइप के
के लोग थे, विदेशी आक्रमण, उस टाइम पे बालाजी नीचे दक्षिण में अपना सिक्का जमा रहा था और इसने उत्तर तक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उतना टिका नहीं। 20 साल की छोटी सी उम्र में पेशवा बना और 40 में ये मर भी गया। फिर इसके रहते रहते इसका बेटा, जिसका नाम दादा और पिता के नाम थे, क्या रखा गया, बालाजी बाजीराव ये रखा गया। फिर इसने 20 साल काम किया, 40 से 61 तक, 21 साल। लेकिन फिर आने वाले धीरे धीरे करके पेशवा कमजोर होते गए और फाइनली ये पेशवा इतने कमजोर हो गए कि नाना साहब नाम के एक आदमी का नाम तुमने 1857 की क्रांति में सुना, जिसको पेंशन देने से भी मना कर दिया था BEIC ने। कहां तो ये राजपाट चलाते थे, कहां पेंशन के लायक भी नहीं समझा। तो इस तरह धीरे धीरे करके इनका परिवार नीचे की तरफ आ गया और अंतिम अगर कहें कौन था तो वो नाना साहब। ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, असली में नहीं था ये। उसका नाम था लास्ट वाले का बाजीराव सेकंड। इसने इसको बना दिया, फिर इसके बाद एक और दिखावटी बना, उसका नाम भी बाजीराव सेकंड था। तो पहला आदमी याद रखना और अंतिम आदमी याद रखना, बहुत स्ट्रांग काम करने वाला बाजीराव था। और फिर बाजीराव का बेटा दादा और पिता के नाम पर बालाजी बाजीराव। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। मराठा राज्य पेज 24 पर है। मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को केवल मराठा भर सकते थे, पर एकता के अभाव में वो मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। याद है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने ये कहां से उठ के यहां पहुंचे, मतलब ये भारत पे राज कर सकते थे। अगले पेज पर आ जाओ। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। इसके पिता को पकड़ा था ना पहले, कौन थे इसके पिता, संभाजी, लिख लो यहां, पिता संभाजी। संभाजी की तो चमड़ी निकलवाई थी जिंदा आदमी की, पहले हाथ की उंगलियां कटवाई, पैर की उंगलियां, फिर हाथ कटवाए, फिर पैर कटवाए, और जब भी वो मरा नहीं तो फिर उसकी चमड़ी जिंदा की निकलवाई थी, जिंदा आदमी की चमड़ी निकलवा के फिर मारा था संभाजी को। ये अंडरलाइन कर लो, 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को 1707 में रिहा कर दिया। किसने रिहा किया, मुअज्जम ने, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम ने। आगे पढ़ो। लेकिन शाहू और उसकी चाची ताराबाई, टिक कर लो ये, ताराबाई जो कोल्हापुर में जाके बस गई थी, के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद अपने बेटे शिवाजी सेकंड के नाम से 1700 में मुगल विरोधी संघर्ष चला रखा था। यानी शिवाजी के दो लड़के हैं, एक संभाजी और एक राजा राम। राजा राम इसकी दूसरी पत्नी का बेटा है, वो लायक नहीं है। लायक कौन सा था, संभाजी। संभाजी को किसने मरवा दिया, औरंगजेब, और उसके बेटे को पकड़ लिया जिसका नाम था शाहू। तो वहां राजा राम मरा, उसकी पत्नी बन गई लीडर, कौन है वो, ताराबाई, और उसने कहा मेरा बेटा अगला वंशज है शिवाजी सेकंड। अगला पॉइंट करना, शाहू और कोल्हापुर के संघर्ष ने मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा, अब ये देखो स्ट्रांग बन गया, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, लिख लो यहाँ, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, ये परिवार चलेगा, खानदान इनका आगे। नेक्स्ट पढ़ना, इसी के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। पेशवा का दूसरा काल कैसे, पहला पेशवा का काल किसके टाइम में था, शिवाजी। पहला पेशवा कौन था, मोरोपंत, ऊपर लिख लो यहाँ, लिखो फर्स्ट पेशवा मोरोपंत त्रिंबक पिंगले, मोरोपंत पिंगले लिख लो, वो शिवाजी के टाइम पे था, अष्ट प्रधान का मुखिया मोरोपंत पिंगले, ये फर्स्ट है। लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं करता था कि ये राजा बन के बैठ जाएगा, जैसे किसने की, भट्ट ने, लिख लो फर्स्ट पेशवा मोरोपंत पिंगले, और लिख लो फाइनल या लास्ट पेशवा, वहीं लिख लो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड कौमा नाना साहब, ब्रैकेट में लिखना 57 की क्रांति, कानपुर में कौन था, नाना साहब ही तो थे, 1857 की क्रांति। तो दो हो गए पेशवा, पहला पेशवा कौन, मोरोपंत, ये किसके टाइम में था, शिवाजी, अष्ट प्रधान का मुखिया था ये, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कौन सा बन गया, बालाजी विश्वनाथ भट्ट। किसने उसको बना दिया, शाहू ने, क्योंकि शाहू को नॉलेज नहीं थी। नेक्स्ट चेक करना, तो मराठा पेशवाधिपति का दूसरा काल, मराठा राज्य साम्राज्य। नेक्स्ट करना, बालाजी विश्वनाथ, ये भट्ट है जो पैतृक बनाएगा, अपने जीवन में एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ कर धीरे धीरे एक बड़ा अधिकारी बन गया। शाहू ने 1713 में उसे पेशवा बनाया, तो ये स्ट्रांग पेशवा है, इसके बाद पद पैतृक बनाएगा ये। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू का आधिपत्य मराठा सरदारों अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि अकेला इसका पैसा खा गया, इसने इसकी प्रॉपर्टी को बहुत बढ़ा दिया। किसने, हाँ, जो लायक होगा पैसा भी खा सकता है, ये टिक कर लो। कोल्हापुर के दक्षिण के इलाकों पर राजा राम के वंशज का शासन रहा। कौन राजा राम, शाहू का चाचा, जिसकी पत्नी कौन थी, ताराबाई, जिसका बेटा था शिवाजी सेकंड, लेकिन वो यंग एज में मर गया था बाद में, ये अंडरलाइन कर लो। वास्तव में उसने और उसके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। यानी दो मराठे ये पेशवा ताकत पर हैं, पहला विश्वनाथ ये भट्ट और दूसरा बालाजी, क्या नाम था, बाजीराव, पहला बालाजी और दूसरा बाजीराव, तीसरे का नाम है बालाजी बाजीराव। अगला पॉइंट कर लो, बालाजी विश्वनाथ ने, पढ़ो इसको पॉइंट को, दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी, इन दोनों को डबल टिक कर लो, क्या है ये टेक्स्ट, चौथ में 1/4 टेक्स्ट और सरदेशमुखी 1/10, लिख लो यहाँ, चौथ के ऊपर 1/4 और सरदेशमुखी 1/10,
आगे पढ़ो, बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए, पढ़ लो बस, जुल्फीकार खान से समझौता किया, सैयद बंधुओं के साथ एक समझौता कर, अंडरलाइन करना, वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे शाहू को वापस दिलवाए। तो क्या इसने शाहू के लिए काम किया? तो शाहू तो खुश हो गई। आगे टिक कर लो, दक्कन के 6 सूबों की चौथ सरदेशमुखी भी दे दी, यानी इसने साउथ में अपनी बहुत बढ़त बना दी। नाम किसका चल रहा था? शाहू। काम कौन कर रहा था? तो इसने कह दिया भाई पैतृक है, हम ही तो मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना, बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। ये फर्रुख सियर कौन? मुगल बादशाह, जो इतना कमजोर है कि वो टैक्स फ्री करके और अपना बैठा हुआ है आराम से, उसका तख्ता पलटने की कोशिश। नेक्स्ट चेक करना, दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी, कितना हिस्सा सरदेशमुखी है? 1/10 की वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को अलग अलग क्षेत्र सौंपे। एक पॉइंट छोड़ के अगले की थोड़ा डेट ठीक करना, 1702 लिखा है, 20 बना लो। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु, मर गया ये। इसके बाद इसका बेटा बाजीराव प्रथम कितनी उम्र में पेशवा और कितने साल जिएगा? 40 साल, 20 साल में वो बहुत काम करेगा। नेक्स्ट चेक करना, बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति और महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। तो शिवाजी ने कौन सा युद्ध चलाया था? गुरिल्ला। फिर इनके बाद किसने इस पे काम किया? बाजीराव ने। बाजीराव किसका बेटा है? बाजीराव विश्वमोहन भट्ट का। भट्ट किसका पेशवा है? शाहू का। नेक्स्ट चेक करना, 1740 में बाजीराव की मृत्यु तक, 20 में बना था ये, फिर 20 साल बाद मर गया, मराठों ने देखो क्या क्या जीता। मालवा, मालवा मतलब एमपी का इलाका, गुजरात और बुंदेलखंड यानी यूपी के हिस्सों पर अधिकार कर लिया। देखो इसकी हिम्मत कितनी बढ़ी। इसका बेस किसने तैयार करके दे दिया? क्या नाम था इसके पिताजी का? विश्वनाथ मोहन भट्ट, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने किससे अपना राजकाज ले लिया? कौन कमजोर राजा था? शाहू। शाहू को कोई नॉलेज थी नहीं, उसने कह दिया आप संभालो। इसने कब काम संभाला? 1713 में, और इसके बाद लगातार काम किया। 7 साल के अंदर इसने प्रॉपर्टी जो शिवाजी की थी ना वापस किसकी बना के दे दी? शाहू की। फिर इसके बेटे को यंग एज में, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? बाजीराव। इसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, पूरा नाम था बालाजी विश्वनाथ मोहन भट्ट। इसका नाम क्या है? बाजीराव। और इसका तीसरे का नाम बालाजी बाजीराव। इसने 20 साल में 1700 कब काम संभाला? 20, और कब तक रहा? 40। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 61, फिर याद करो लड़ाई हुई होगी, कौन सी लड़ाई? पानीपत का तीसरा युद्ध, वही आएगा आगे। आगे टिक करना इसमें, तो इन सबने बहुत प्रॉपर्टी बना ली सारों ने मिलकर। कौन सा पॉइंट किया हमने? 6 सूबे ना, सरदेशमुखी, ठीक है 20 वाले पकड़ लिया हमने। लास्ट करते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, 1740 में बाजीराव की मृत्यु तक क्या क्या किया इसने? मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार। तो कौन मराठों को उत्तर भारत तक ले आया? कोशिश भट्ट ने की थी, देखो उसको हटवाया था फर्रुख सियर को, लेकिन काम नहीं बन पाया। किसने मेहनत की इस पे? उसके बेटे ने, बाजीराव ने। नेक्स्ट करना, इसी समय मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले, तुमने नाम सुने हुए हैं। मनोहरा होलकर थी कोई महिला, पहली राष्ट्रपति के इलेक्शन में लड़ने वाली, याद है तीसरे इलेक्शन में। सिंधिया माधवराव सिंधिया है ना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, आशा भोसले, यानी ये सरनेम हमने सुन रखे हैं। ये कौन से परिवार के आगे आने वाले? पेशवा। पेशवा का बंटवारा हुआ 5 अलग अलग हिस्सों में, जैसे सिख नहीं बटे थे 12 मिसलों में, ऐसे हैं ये। ये टिक कर लो, परिवार ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क, कल परसों पढ़ रहे थे कौन निजाम उल मुल्क, 1724 में चिन किलिश खान ने क्या बसाया था? यही तो टाइम है, 24, देखो इसी के बीच की बात है ये, अंडरलाइन कर लो। बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क, इसके ऊपर लिख लो चिन किलिश खान, 1724 क्या बसाया था? हाँ क्या बसाया था इसने? मद्रास। किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने। और वो कलकत्ता, ठीक है यहाँ लिख लो हैदराबाद, निजाम उल मुल्क के पास हैदराबाद 1724। और इसका नाम क्या था? चिन किलिश खां। ये इसके टाइम का ही तो होगा, किसके टाइम का? बाजीराव के टाइम का, अंडरलाइन करना। निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 2 युद्ध किए जिनमें निजाम पराजित हुआ। दक्कन प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका मतलब ताकतवर था कौन? बाजीराव। तो सबसे पहला कौन था? बालाजी विश्वनाथ मोहन भट्ट। इसने कोशिश की थी दिल्ली से किसको हटवा दे? फर्रुख सियर। और इसने सैयद बंधुओं की मदद की। इसके बेटे ने क्या किया? ये मालवा बुंदेलखंड के पूरे ट्रैक पे कब्जा कर लिया। किसको हराया इसने? चिन किलिश खां को। कहां का है ये? हैदराबाद का, और उनसे जीत गया। अगले पेज पर आओ, तीसरा पॉइंट टिक करना, 20 सालों की छोटी सी अवधि, अप्रैल 1740 में इसकी डेथ हो गई, में ही उसने महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया। तो बाप बेटे ने काम बहुत किया, किस किसने? विश्वनाथ मोहन भट्ट ने और बाजीराव ने। पिताजी ने देखो उत्तर तक कोशिश की, इसने मध्य भारत अपना हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट टिक करना, बाजीराव के बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव, बालाजी किसका नाम है?
दादा का और बाजीराव पिता का बाजीराव, इसको नाना साहब प्यार से बोलते हैं। नाना साहब आगे 57 में आएगा, वो अलग आदमी है। पेशवा बना, 40 से 61 तक पेशवा रहा, अपने पिता की तरह काबिल था लेकिन कम परिश्रमी था। मेहनत करने वाले लोग आगे जाते हैं, बैठने वाले नहीं। नेक्स्ट सिख करना, एक पॉइंट छोड़ के, इस समय तक पेशवा का पद वंशानुगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का वास्तविक शासक हो गया था। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, मुख्यालय को पुणे स्थानांतरित कर दिया। कौन सी जगह बताई मैंने आपको, कौन सी जगह बना रखी उन्होंने, शनिवार वाड़ा, इनका पैतृक भूमि थी ये। नेक्स्ट टिक करना, बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया, मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। इसके बाद तीन पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट टिक करना, इसके बाद पंजाब ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधियों को भगा देने से उनका टकराव अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीबुद्दौला, जो कि हमारा है इंडिया का, और अवध के शुजाउद्दौला से समझौता कर लिया। हम कितने बड़े बेवकूफ थे ना, विदेशी आके और हमें आपस में लड़वाते, हमें अकल ही नहीं थी। अब मराठे कहाँ से उठ के आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, कहाँ उठ के आएंगे, पानीपत, और विदेश से आएगा एक अब्दाली जिसका साथ आपके यहाँ के रुहेलखंड और ये अवध के आसपास के लोग देंगे। जैसे कितना बढ़िया होता कि हम सब मिलके किसको भगाते, अब्दाली, लेकिन हमने क्या किया, हम में से दो उसकी तरफ से लड़े और एक अकेला। 28,000 भारतीय मारे गए, नुकसान हमारा, अब्दाली तो जाता रहा लूटपाट करके, नुकसान सारा मराठों का, मराठे मतलब इंडिया, ये अंडरलाइन कर लो। तो रुहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से समझौता कर लिया। बाद में याद है ये शुजाउद्दौला भी हारेगा, कौन सा, 1764 का बक्सर का युद्ध, तब इसको अकल आएगी कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि अंग्रेजों को टक्कर अगर कोई दे सकता था, मराठे दे सकते थे, इन्होंने मराठे हरवा दिए। नेक्स्ट करना, पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। विश्वास राव केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई था सदाशिव राव भाऊ, ये आप सबको पता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में यही मेन था। इसके बाद अगला पॉइंट करना, 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। और यहाँ से जब वो भागे मराठा सैनिकों को, तो जाटों ने, अहीरों ने और गुजरों ने भी लूटा, आपस में लूटते थे एक दूसरे को, कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और एक विदेशी आके हमें आपस में लड़वा गया, जैसे शुजाउद्दौला विदेशी है या भारत का है, ये अवध वाला हमारा ही तो होगा ना, अवध मतलब क्या, यूपी, यूपी, ये लड़ने कहाँ आ रहे हैं सारे मिलके पानीपत में। एक आदमी बाहर से आया जो बिल्कुल भिखारी देश का है, कौन था ये, अहमद शाह अब्दाली, और ये आके आपके कुछ लोगों को थोड़े पैसे बांटने का लालच देके कि लूट लेंगे फिर पैसों में तुम्हारा हिस्सा, तुम किसको हरा देना, मराठे। पूरे इंडिया पे राज कर सकते थे पेशवा, लेकिन आपस की जो ये यूनिटी की कमी थी ना, ये सबका नुकसान करेगी। अगले इसमें पॉइंट में आना, जून 1761 में पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा, और कौन राज नहीं करेगा, मराठे। ये किस लड़ाई से क्लियर हो गया, 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई से। इस युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ कर दिया। तो हम आपस में लड़ मर रहे हैं और वहां किसका उदय हो गया, ब्रिटिश। हमने बहुत बड़ी बेवकूफी की, किसके साथ मिल गए, अब्दाली। हमें करना क्या चाहिए था, सब इकट्ठे होके अब्दाली को हराते। अगर नादिर शाह और अब्दाली हार के और मर के वापस जाते तो क्या बीआई से हिम्मत कर पाता भारत पे। इन्होंने देखा इतने बेवकूफ है कि इनको कोई भी हरा सकता है। नादिर शाह का देश इतना सा है मैप में और तुम्हारा भारत कितना बड़ा, 7वां बड़ा देश, और तुम्हारे ऊपर आके वो अटैक करता है और तुम आपस में ही लड़ते रहते हो और भाग जाते हैं लोग जब नादिर शाह आता है, लूट के वो आराम से चला जाता है। हमें लगता है हमें क्या फर्क पड़ा, ये फर्क बीआईसी के दिमाग पे पड़ा, उनको लगा ये बेवकूफ है और इनको हराना बहुत आसान है। फिर दूसरा चांस दिया अहमद शाह अब्दाली के दौर में, आप इकट्ठे होकर अपने देश की सेना से लड़ रहे हो, किस लिए, कि वो आपके ऊपर अटैक ना कर दे। ये हमारी मति मारी गई कि ये विदेशी आज एक बार आ गया तो रास्ता भी तो खुल गया ना, अब ये बार बार आएगा। और बीआईसी ने देखा कि इतने बेवकूफ है कि आपस में लड़ते हैं, इसका ही फायदा उठाया उन्होंने। नेक्स्ट कर लो, तो ये राज नहीं करेगा, ये क्लियर हो गया। अगले पेज पे आ जाओ, अब ये छोटे छोटे काम है, इनको नहीं पूछेंगे। अगले पेज पर पांचवा पॉइंट टिक करना, उत्तर के मराठा शासकों में महादजी सिंधिया सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट में सेकंड लाइन टिक कर लो, अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति से मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को यथावत रखा, पेशवा वंश को समाप्त कर दिया। देखा, जो सबसे बड़ी ताकत थी वो खत्म कर दी, किन लोगों ने, अंग्रेजों ने। अंग्रेज कितने चालाक है और हम कितने बड़े बेवकूफ थे कि आपस में लड़ लड़के कभी इकट्ठे हुए ही नहीं। हमें लगता था कि मराठे यहाँ तक राज ना कर लें, ये बुद्धि नहीं लगाई कि ये नहीं राज करेंगे तो कोई तो करेगा, और बाहर के आदमी को शह देके हम लोगों ने उनको आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट चेक करना, मुगलों के समान मराठा शासक भी आधा कर कृषि उत्पादन के रूप में लेते थे। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो और बताओ इन्होंने क्यों मदद नहीं की थी मराठों की, मराठों की मदद ना करके अब्दाली की मदद क्यों की इन लोगों ने, क्योंकि जो यहाँ के राजा थे ना ये मुसलमान थे, नाम नहीं पढ़े तुम लोगों ने, और इनको लगता था कि अगर मराठे आ गए, मैंने शुरू में क्या कहा मराठे क्या थे, हिंदू, तो हिंदू धर्म यहाँ, फिर वो लड़ाई नहीं क्या भगवान के नाम से शुरू की थी,
क्या लिया था उन्होंने, जब ये 14 जनवरी की लड़ाई हुई थी, हर हर महादेव, इस नारे से उन्होंने लड़ाई शुरू की। तो हमसे इसलिए तो चिढ़ते थे, हमारी दिक्कत थी कि हम धर्म के प्रति कट्टर थे, ये भी और ये भी। अदरवाइज अगर हम इकट्ठे होकर लड़ते तो अब्दाली भाग जाता, उसका फायदा BIC ना उठाता। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। पार्टी के बारे में सर से बात कर लेना। सर क्या कह रहे थे? सर आएंगे? अच्छा, अभी सर क्लास ले रहे हैं? हो गई सर की क्लास? नहीं हुई। जब सर की क्लास हो जाएगी ना, अभी तुम्हारी किस चीज की क्लास है? मैथ्स की क्लास है, तो उस बीच में परिमल सर आ जाएंगे, फिर उनसे बात करना। हाँ, मैं भी यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही।